So guys, as per our plan, today is day 3 and we are heading for Lal Mas. Let's see, हम फाइनल कर पाते कि नहीं. We have discovered one restaurant, Cafe the Kaku. Research काफ़ी ज़्यादा किया मैंने, but अभी मैं आपको खाके ही बताऊँगी. So today we shifted to a different hostel, that is Hosteler. And we're shifting, the first half हमारा निकल गया. And second, the time is 3 PM. और हम जा रहे हैं और मैं खाने का टेस्ट आपको खा के बताती हूँ कि कैसा रहा. फाइनली हम पहुंच गए हैं कैफे द काकू एंड आई रियली कांट वेट टू हैव स्पेशल लाल मास. वेल, रेस्टोरेंट का एंट्रेंस ही काफ़ी शानदार लग रहा है. देखते हैं खाने का टेस्ट कैसा है. ये रहा मेन्यू और मैं ढूंढ रही हूँ इसमें लाल मास. ये रहा लाल मास, 590 रुपीज़. ओके, जब तक ऑर्डर आए हम मसाला पापड़ ही चखते हैं. सो फाइनली आ गया हमारा लाल मांस और ये रहा राइस. टेम्पटिंग तो बहुत लग रहा है. ये पीसेस देखते हैं, इसकी पीसेस भी ठीक ही है एक प्लेट के हिसाब से. सो अब मैं खा के बताती हूँ टेस्ट कैसा है. लाल मास और अगर इसे टॉक अबाउट द टेस्ट, आई बिलीव इट वाज ओकेश बिकॉज मैंने एक बार जयपुर में ट्राई किया था तो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. और यहाँ का लाल मास थोड़ा अलग था. हमने मीडियम स्पाइसी ऑर्डर किया था सो उस हिसाब से ठीक था, मतलब क्वांटिटी वाइज पीसेस वाइज इट वाज गुड. सो इफ यू आर इन जैसलमेर यू कैन कंसिडर काकुदा कैफ़े फॉर लाल मास. एंड द व्यू बिहाइंड मी इज़ अमेजिंग. हम लंच टाइम पर आए हैं तो बाहर काफ़ी धूप है जैसलमेर में, बट आप डिनर के लिए अगर आओ और अगर शाम में थोड़ा यू नो इवनिंग स्पेंड करने का, दिस इज़ अ रियली अमेजिंग प्लेस बिकॉज एम्बियंस काफ़ी अच्छा है. पूरा जैसलमेर दिख रहा है मेरे पीछे, बहुत अमेजिंग सा दिख रहा है. मैं रिकमेंड करूँगी आप यहाँ इवनिंग या नाइट में आओ ताकि आप लाल मास के साथ व्यू का भी मज़ा ले सको. इतना ही. कमेंट में बताओ आपने बेस्ट लाल मास कहाँ खाया है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई कर सकूं. और आप अगर जैसलमेर में लाल मास खाना चाहते हो सो दिस प्लेस कैन बी कंसिडर्ड. चलो अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार.